बीजापुर में आईजी ब्लास्ट में शहीद हुए दो जवानों को जगदलपुर के पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां मौके पर बस्तर सांसद, महापौर, बस्तर आईजी, कमिश्नर बस्तर, कलेक्टर बस्तर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। नम आंखों से शहीद जवानों को जवानों ने अमर रहे का नारा भी लगाया गया और उनकी बहादुरी को भी नमन किया गया। दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के ट्राई जंक्शन इलाके में माओवादियों के उपस्थिति का शिक्षा पर हमारा एसटीएफ टीम, डीआरजी, एमसी, कोबरा और सीआरपीएफ का संयुक्त बल ऑपरेशन के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग मूवमेंट के समय कल रात को 10 बजे एक डायरेक्शन लाइन एक्टिवेट होने के कारण से हमारा 6 एसटीएफ जवान घायल हो गए थे। उनमें से 2 जवान का काफी गंभीर चोट आने के कारण से उनका उधर ही शहादत हो गई। अन्य 4 जवान का अभी इवैक्यूएशन करके उनका प्राथमिक ट्रीटमेंट के पश्चात रायपुर एयरलिफ्ट किए गए थे। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर और इलाज के बाद फिर वो पूरा अभियान में शामिल होने की स्थिति में है। 2 जो जवान हमारा शहीद हुआ एसटीएफ का, भरतलाल एवं सत्य सिंह, दोनों का अंतिम सलामी जहलपुर पुलिस लाइन में दी जाकर उनके गृह ग्राम नारायणपुर और रायपुर के लिए रवाना किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है, सर्चिंग के उपरांत और डिटेल्स मिल सकता है। लगातार खतरनाक साबित हो रही है, उसको कौन निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है? डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा लग रहा है। जैसा बस्तर संभाग में पूर्व में भी आईडी हमारे लिए काफी एक बड़ा चुनौती रहा है, इस समय में भी आईडी से हमारा नुकसान हुआ है, जिसे उसके लिए आईडी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार हमारा कोशिश और प्रयास रहा। कई आईडी घटना होने के पहले भी डिटेक्ट होकर भी, लेकिन जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचा के हिसाब से मोदी द्वारा जिनके एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है उसी के तहत न सिर्फ सुरक्षा बल का लेकिन साथ साथ ग्रामीण को भी कई नुकसान हुआ। इसका सप्लाई नेटवर्क तोड़ने के लिए भी पूर्व में भी काफी कार्रवाई हुआ, इसके बावजूद इस प्रकार का घटना हो रहा था, उसका आने वाले समय और कैसे आईडी से बचकर हम अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करें उसकी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं।